सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। हमारे सभी दर्शकों को जश्न आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का वो युग रहा है जो पीड़ा, आत्मसम्मान, गौरव और सबसे ज्यादा शहीदों के लहू को समेटे हुए है। स्वतंत्रता की राह में समाज के हर वर्ग ने अपने अपने तरीके से बलिदान दिया है। इस युग में साहित्यकार और लेखकों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया है और आज भी हमारे देश को जागरूक करने में हमारे कवि अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारा देश जश्न आजादी का 75वां साल धूमधाम के साथ मना रहा है, जिसको खास बनाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वीरों की शहादत की गाथाओं को याद दिलाने के लिए हमारे कवि। नमस्कार साथियों, इस बार हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे देशवासियों से एक अपील की है कि आप लोग इस बार के इस अमृत महोत्सव को अपने घरों पर तिरंगा लगाकर, तिरंगा फहराकर 15 अगस्त को इसे मनाएं। साथ ही साथ उन्होंने अपील एक और भी की है, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी DP के रूप में तिरंगे को स्थान दें। इस बार का ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे साल भर मनाए गए जो कि अब भी जारी है। आज प्राइम टीवी की तरफ से एक बहुत ही सुंदर से आयोजन का आगाज किया गया है। ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि आज देश के नामचीन कवि हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं अपने सभी कवि बंधुओं से आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कि एक कविता की क्या महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में और खासकर ऐसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के आयोजन में, मैं अपने ही एक गीत का एक अंश पढ़ता हूं जिस गीत की हर पंक्ति आपको कहीं ना कहीं कविता को परिभाषित करती हुई दिखेगी कि जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे, जब जब दुनिया की नजरों में हम हुए बेचारे दुखियारे, जब शून्य पुरुष निर्बलता का आभास कराने आते हों, जब जब अनपढ़ और अज्ञानी अभ्यास कराने आते हों, जब संख्याओं के संगम पर बेमोल बिके अनिवार्य अंक, जब जब पानी स्याही जैसे माथे का बन जाए कलंक, क्या कहने, जब जब पागलपन शून्य हुआ, हाँ तब तब गाई है कविता, होठों पर आई है कविता, होठों पर आई है कविता, होठों पर आई है कविता। मैं परिचय के तौर पे मैं सबसे पहले चलता हूँ हमारे साथ में आज के इस कवि सम्मेलनी आयोजन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं मुकेश मिश्र जी के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में कार्यरत हैं। साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक आई थी, थाना पुस्तक, जो कि बहुचर्चित पुस्तक थी जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। मुकेश जी की कविताई की शैली को आप लोग अभी देखेंगे और परखेंगे, उसके बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि बस कुछ ही क्षण के बाद मैं उनको सुनवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ में जब एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन होता है हमारे इस कार्यक्रम में कि जब उत्तर प्रदेश के समाज सेवियों की एक सूची जारी होती है और उस सूची में जो सर्वश्रेष्ठ 10 समाज सेवी होते हैं उसमें से एक नाम होता है सोमनाथ कश्यप जी का। सोमनाथ कश्यप जी जितना ही दिल के अच्छे हैं उससे भी बेहतरीन वो समाज सेवी हैं, उससे भी बेहतरीन वो कवि हैं। हम लोग स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित सोमनाथ कश्यप जी का। एक और नाम जो कि शेष है और मैं यूं कह सकता हूं कि वो नाम विशेष है, हमारे बीच में चंदन तिवारी रुद्र जी हैं। चंदन जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चंदन जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकूंगा क्योंकि मैंने इनको सुन रखा है तमाम मंचों पर और मैंने इनको बड़ी गौर से सुन रखा है। तो आज का हमारा जो जश्न आज़ादी जो कार्यक्रम है इसमें हम जब सबसे पहले सुनेंगे तो हम चंदन जी को ही सुनेंगे क्योंकि हमने जब जब इन्हें सुना हमने बड़े ही गौर से सुना और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इनको सुनेंगे वो आप लोग गौर से ही आप इन्हें सुनेंगे। चंदन जी को बुलाने के लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक छंद है भानु सक्सेना जी का जो कि शाहजहांपुर के एक बहुत ही बेहतरीन कवि हैं कि अद्भुत सदा रहा है भारत का इतिहास, अद्भुत सदा रहा है भारत का इतिहास, वीरों द्वारा शत्रु का संहार किया जाता है, पन्ना सी छत्राड़ी लेती रही जन्म सदा, देश हित निज सुत वार दिया जाता है, शीश झुकते नहीं है वैरियों के आगे कभी, शीश झुकते नहीं है बैरियों के आगे कभी, घास खा के जीवन गुजार दिया जाता है, और क्षमा शिशुपाल को है यहाँ सौवीं गाली तक,
फिर शीश धड़ से उतार दिया जाता है, फिर शीश धड़ से उतार दिया जाता है। मैं अपनी सभी लोगों के मध्य में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा चंदन तिवारी रुद्र जी का, वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें। चंदन तिवारी जी, आप सभी को प्रणाम। मैं चंदन तिवारी रुद्र, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि गोंडा से प्राइम टीवी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस जश्न आज़ादी के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज बहुत ही गर्व अनुभव कर रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं इसे साझा भी करना चाहता हूँ कि आज़ादी, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का उत्सव पूरा देश मना रहा है। कितने बलिदान हुए होंगे इस देश की आज़ादी के लिए, तब जा करके आज हम ये उत्सव और महोत्सव मना पा रहे हैं। हम और आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं और साथ ही साथ जो ये अमृत महोत्सव शब्द दिया गया, आज़ादी का 75वां वर्ष, अर्थात हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके। आप सोचिए कि कैसे 700 वर्षों की गुलामी हमारे देश ने झेली, कैसे 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और माँ भारती के लालों ने अपने शीशों की कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया, इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा। मैं उनको प्रणाम करते हुए चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है कि जिन बेटों ने राष्ट्र यज्ञ में अपना शीश चढ़ाया है। वास्तव में हिंदुस्तान का इतिहास क्या है, हमें इतिहास वास्तव में कहीं सही पढ़ाया नहीं गया। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से, कवि का धर्म होता है कि वो राष्ट्र जागरण का कार्य करे, मैं चार पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है कि जिन बेटों ने राष्ट्र यज्ञ में अपना शीश चढ़ाया है, जिनकी गाथा गा गा कर इतिहास स्वयं हरसाया है, जिनकी अमर शहादत पर ये अंबर भी रो पड़ता है, जिनके शरीर का अस्थि फूल खुद महाकाल को चढ़ता है, स्वयं महासागर जाकर नदियों में मिला नहीं करते, चूहों की टक्कर से खुद हिम पर्वत हिला नहीं करते, यहाँ सूर्य भी लुप्त हो गया है जिनकी आभाओं में, सिंध नहीं जाया करते श्वानों की राज सभाओं में, और शब्द नहीं मिल पाते। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो भी मुझे दर्शक आज देख रहे होंगे उनके दिल में कहीं देशभक्ति की हिलोरें आ जाएंगी। शब्द नहीं मिल पाते हैं वीरों की गाथा गाने में, जाने कितनी अर्थियां जली हैं हिंदुस्तान बनाने। बहुत बढ़िया, वाह, जाने कितनी अर्थियां जली हैं हिंदुस्तान। मित्रों कल्पना करिएगा, आज जो भी इस टीवी के माध्यम से मुझे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं अपने घर में एसी कमरों में बैठ करके इस गर्मी के तापमान में आराम से आजादी का उत्सव मना रहे हों। आप उन माओं के बारे में सोचिए जिनकी बेटे शहीद हो गए, आप उन पितों के बारे में सोचिए कि जिनके घर का इकलौता दीपक शहीद हो गया देश की आजादी के लिए। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं है। और एक बात आती है कि भगवान की बात होती है, अभी सावन चल भी रहा था, लोग कहते हैं आप उन माताओं के बारे में सोचिए जिनका इकलौता बेटा, सॉरी, आप उन माताओं के बारे में सोचिए जिनका इकलौता बेटा इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। चंद्रशेखर तिवारी आजाद, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, उनको कई बार आतंकवादी कहा गया, लेकिन ये राष्ट्रवादियों की ताकत थी, इस देश की मिट्टी की ताकत थी कि हम लोगों ने उनको आज जीवित रखा हुआ अपने श्वासों में, अपनी यादों में। उनकी माता पिता की वो इकलौते बेटे थे और देश की आजादी के लिए वो शहीद होते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ यहाँ। स्वागत है। देश की आजादी के लिए जब हमारे देश के सैनिक भी शहीद होते हैं, मैं चार पंक्तियां अपने देश के सैनिकों के लिए रखता हूँ। स्वागत है। कि देश हित मर मिटने का जो उठे सवाल, जननी का प्यारा एहसास नहीं गिनते। हिंदुस्तान के सैनिकों का आखिर शौर्य क्या है, देश को आजाद कराया हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, उसके बाद हमारे देश की आजादी को बना के कौन लोग रखे हुए हैं। कि देश हित मर मिटने का जो उठे सवाल, जननी का प्यारा एहसास नहीं गिनते, प्यार मनुहार परिवार की तो बात छोड़ो, एकमात्र शेष रही आस नहीं गिनते। वा, वा। और बात आन बान की हो, भारतीय शान की हो, क्या है हिंदुस्तान के बेटों का शौर्य, कि बात आन बान की हो, भारतीय शान की हो, कितनी बची हुई है श्वास नहीं गिनते, और भारती के शेर कभी उतरे जो युद्ध में तो मारते हैं शत्रुओं को लाश नहीं गिनते, शत्रुओं को लाश नहीं गिनते। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है बिहार में जो हुआ, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाई जा रही हैं, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अभी हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से चुनाव हुए। मैं कोई व्यंग नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग चाहते क्या है, हिंदुस्तान का युवा क्या चाहता है राजनीति। स्वागत है, स्वागत है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान का युवा राजनीति में चाहता क्या है। स्वागत है। कि शास्त्री सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे। राजनीति कैसी होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान की, आपका आशीर्वाद मिले। कि शास्त्री सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे, रैलियों का हमको बवाल नहीं चाहिए, और राजनीति को बाजारू जो बनाने को तुले हैं, ऐसी मार्केट का उछाल नहीं चाहिए, भारतीय एकता अखंडता पे भी लगे जो देश के विरुद्ध वो सवाल नहीं चाहिए, और नेता हो तो एक और वो भी हो सुभाष जैसा, हमें राजनीति में दलाल नहीं चाहिए, हमें राजनीति में दलाल नहीं।
और अंतिम एक कविता जो मैं विशेष आज इस कार्यक्रम के लिए लेकर के आया। स्वागत है। जो आजादी का अमृत महोत्सव एक शब्द दिया गया, मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि अपने दिल पे हाथ रखिएगा और कल्पना करिएगा कि आखिर कैसे वो 700 वर्ष रहे होंगे और आजादी के ये 75 वर्ष बीते होंगे। उस बात तो बहुत बड़ी है जिसको अगर किताबों में लिखा जाए तो किताबों के पास हमें, मुझे तो लगता है कि स्याही कम पड़ जाएगी, पन्ने कम पड़ जाएंगे हिंदुस्तान के बेटों का शौर्य लिखते लिखते, और फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। मैं एक जो विशेष बात आज इस टीवी के माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब जब माँ भारती ने अपने बेटों के शीश मांगे, हिंदुस्तान की तरफ से कटने वाले शीशों की कभी कमी नहीं पड़ी। ये अलग बात है कि उन तलवारों की धारें खत्म हो गई शीश काटते काटते, ये हिंदुस्तान के बेटों का कहीं ना कहीं शौर्य रहा। मैं आजादी के अमृत महोत्सव को कुछ पंक्तियों में जोड़ने का प्रयास करता हूं कि क्या सोच के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव शब्द दिया होगा आजादी के 75वें वर्ष पे। मैं पंक्तियां रखता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। स्वागत है। कि जिस भरत भूमि के खातिर खुलती कौटिल्यों की यहां शिखाएं। क्या आजादी का 75वां वर्ष है और क्या अमृत महोत्सव शब्द, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। कि जिस भरत भूमि के खातिर खुलती कौटिल्यों की यहां शिखाएं, जिस भरत भूमि की यश गाथाएं कहती हैं ये दशो दिशाएं, इस माटी का तिलक लगाकर दुश्मन हित रणधीर बने, इस माटी का तिलक लगाकर दुश्मन हित शमशीर बने, इस माटी को चूम लिया तो कायर भी रणवीर बने, इस माटी को चूम लिया तो कायर भी रणवीर बने, चमचम करती राणा के भाले की धार इसी में है। क्या है आजादी के 75वें वर्ष में, क्या है अमृत महोत्सव शब्द में, कि चमचम करती राणा के भाले की धार इसी में है और रजपूती तेवर की चलती तलवार इसी में है। दादा सांगा को लगे हुए, दादा सांगा को लगे हुए वो 80 घाव इसी में है। सुनो शिवाजी के प्रण की वो पावन छाव इसी में है। वीर कुंवर नाना बेगम हजरत का राग इसी में है। मातु पद्मिनी की गाथा जौहर की आग इसी में है। मातु पद्मिनी की गाथा जौहर की आग इसी में है। और क्या है इसमें, कि 16 वर्ष के खुदी राम का जोश समाहित है इसमें। 75वें वर्ष में क्या क्या है, कि 16 वर्ष के खुदी राम का जोश समाहित है इसमें। जलिया वाले बाग का अद्भुत रोष समाहित है इसमें, जिससे ये फूल फले फूले, फूल क्या हमारा देश, जिससे ये फूल फले फूले वो खाद समाहित है इसमें। अटल बिहारी जी की स्वर्णिम याद समाहित है, अटल बिहारी जी की स्वर्णिम याद समाहित है इसमें। और अंतिम पंक्तियां समर्पित करते हुए फिर अपना स्थान लेना चाहूंगा, आपका आशीर्वाद मिले। कि ज्ञात और अज्ञात सभी वीरों का अभिनंदन है ये। क्या है 75वां वर्ष, ज्ञात और अज्ञात सभी वीरों का अभिनंदन है ये। अमर शहीदों की माओं के चरणों का वंदन है ये। जो सदियों से अटल रहा वो मान नहीं जाने देंगे। हिंदुस्तान के युवा क्या प्रण लेते हैं आजादी के 75वें वर्ष में, कि जो सदियों से अटल रहा वो मान नहीं जाने देंगे, भरत वंश के गौरव का सम्मान नहीं जाने देंगे, शीश चढ़ाकर मिला हुआ वरदान नहीं जाने देंगे, प्राण भले दे देंगे पर अभिमान नहीं जाने देंगे, हर घर में ये अमर तिरंगा लहर लहर लहराएगा, वंदे मातरम जनगण मन हर भारतवासी गाएगा, वो सूर्य जो देकर चले गए सारा दायित्व तो निभाएंगे, उनकी यादों को गाएंगे हम अमृत वर्ष मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, पुनः आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाकई चंदन जी आपका बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ था, और मैंने तो महसूस किया, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों ने महसूस किया होगा कि जो हुंकार है आपके शब्दों में, जो हुंकार आपकी कविताओं में है, वो वाकई पूरे समाज को एक नया संदेश देती है। और आपने जिस तरीके से काव्य पाठ किया वो वाकई काबिले तारीफ है। भारत माता की आप यूं ही वंदना करते रहिए। मैं, हमारे बीच में सोमनाथ कश्यप जी हैं, मैं कश्यप जी की तरफ चलता हूँ। राजबहादुर विकल जी ने कभी लिखा था कि उबले ना अगर अन्याय देख, आप भी सुनिएगा आपके लिए, कि उबले ना अगर अन्याय देख हम उसको पानी कहते हैं, जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं। उबले ना अगर अन्याय देख हम उसको पानी कहते हैं, जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, धरती नौछावर होती है लपटों से घिरी जवानी पर, पशुबल का होता ह्रास नहीं धन की मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं एक बार आवाज देना चाहूंगा सोमनाथ कश्यप जी को। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी हमारे साथियों जो भी प्राइम टीवी देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को अमृत महोत्सव के अंतर्गत जश्न आज़ादी के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई के साथ साथ मैं एक दो मुक्तक पढ़ता हूँ। और ये मुक्तक ये देखिए कि 75 वर्ष हमको भी आज़ादी के हो रहे हैं और साथ में हमारे पड़ोसी देश को भी,
दोनों चीजें हैं, मैं निवेदित करता हूँ क्या चीजें हुई, हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। सुनिएगा कि लगे जीवन में जब हम प्रबल हो गए, शुरुआती दिनों में कि लगे जीवन में जब हम प्रबल हो गए, इसका मतलब नहीं हम सफल हो गए। लगे जीवन में जब हम प्रबल हो गए, इसका मतलब नहीं हम सफल हो गए। पीठ पर कोई खंजर मिले विष भरा, कितना दिया उसने, तब हम क्या है कि पीठ पर कोई खंजर मिले विष भरा, इसका मतलब नहीं हम गरल हो गए। इसका मतलब नहीं हम गरल हो गए। और किस तरीके से हमने संपूर्ण विश्व में अपने आप को स्थापित किया, निवेदित करता हूं चार पंक्तियां और सुनिएगा कि सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, पूरे दुनिया में यदि हम किसी एयरपोर्ट से गुजरते हैं या कहीं पर हम किसी अमेरिका में या यूएस में कहीं भी हम लोग टहलते घूमते न्यूयॉर्क में, तो यदि हमसे कोई पूछ लेता है कहाँ से, भारत से, तो हम लोगों को वैसे ही गर्व से हम लोग को देखते हैं लोग। तो निवेदित करता हूँ चार पंक्तियाँ कि सत्य सिद्धांत, हम लोग किस लिए, हमें लोग सम्मान देती है पूरी दुनिया कि सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, कुछ स्वजन तब विरोधी प्रबल हो गए। सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, कुछ स्वजन तब विरोधी प्रबल हो गए। नम्रता किंतु फिर भी न छोड़ी कभी, पूरा संपूर्ण विश्व हमें किस तरीके से देखता है कि नम्रता किंतु फिर भी न छोड़ी कभी, निजी अहम त्याग कर हम सफल हो गए। निजी अहम त्याग कर हम सफल हो गए। अभी तक तो देखा हमने पूरे संपूर्ण विश्व में हमारी क्या छवि है, लेकिन आंतरिक हम देखते हैं कि हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन बहुत से परिवार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या वो अभी भी संपूर्ण रूप से आजाद हैं, संपूर्ण रूप से सारी उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, दाने के लिए उनको उनको हर एक 2 जून का 1 जून का भोजन मिल रहा है। इसी पर आधारित है मैं दिन भर दिहाड़ी मजदूरों के मध्य में रहता हूँ, दिहाड़ी किचन संचालित करता हूँ उनके लिए, तो उन्हीं से भैया एक गीत उपजा है, निवेदित करता हूँ सुनिएगा कि वो कैसा उनका अमृत महोत्सव है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, निवेदित करता हूँ सुनिएगा कि कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। आप कभी भी जाइए लेबर चौक पर, जिस दिन आते हैं कोई गांव से आता, कोई पास में फुटपाथ पे लेटे रहते हैं, उनके बीच में आप जब भी गुजरेंगे देखेंगे किस अवस्था में रहते हैं, लेकिन एक आस लेकर आते हैं काम पर, लेकिन जब नहीं होता तब निवेदित करता हूँ सुनिएगा कि कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। गीत का पहला वन निवेदित करता हूँ सुनिएगा। कई महीनों से रूठे हैं घर के चूल्हा चौका बर्तन, कई महीनों से रूठे हैं घर के चूल्हा चौका बर्तन, सुरती खाकर भूख मारते, सुरती खाकर भूख मारते, रोटी बनी आत की तड़पन, रोटी बनी आत की तड़पन। माँ के कपड़े कटे फटे हैं, माँ के कपड़े फटे फटे हैं, रोई आंखें झिल्ली साड़ी, कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। इस गीत का दूसरा बंद निवेदित करता हूँ सुनिएगा। फिर पैसों के खातिर देखो अम्मा दवा नहीं ला पाई, फिर पैसे के खातिर देखो अम्मा दवा नहीं ला पाई, बच्चे रोकर मौन हो गए, बच्चे रोकर मौन हो गए, टूट गई घर की चरपाई, टूट गई घर की चरपाई, घर के सारे छपरे चूते, घर की सारी छपर, घर के सारे छपरे चूते, बूंदों ने भर दी है हाड़ी, कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। लेकिन एक मजदूर, एक लेबर जो होता है बहुत
आस में रहता है, बड़ी उम्मीद में रहता है, लेकिन वो जब भर जा रहा है, काम नहीं मिला, पूरे दिन लेबर चौक पे बैठा रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ, अब खाली हाथ घर जा रहा। निवेदित करता हूँ अंतिम बंद, कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी, टूटे मन से घर को जाते, आंखों में आंसू भर आते, टूटे मन से घर को जाते, आंखों में आंसू भर आते, उम्मीदों का दीप जलाकर, उम्मीदों का दीप जलाकर, सूर्यास्त की पीड़ा गाते, सूर्यास्त की पीड़ा गाते, दुर्दिन के झंझावातों में, दुर्दिन के झंझावातों में फंसी हुई जीवन की गाड़ी, कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। बहुत बहुत नमस्कार। वाह सोमनाथ जी, इतना भावनात्मक गीत, एक प्रेरणा देने वाला, हमारे समाज के लिए जो एक वास्तविक कवि की आवश्यकता है, जो एक वास्तविक साहित्यकार की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही ये काव्य सजीव है। और अब हमारे बीच में जो मौजूद हैं, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुकेश मिश्र जी, मैं मुकेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ करें, लेकिन उससे पहले विनीत चौहान जी की चार पंक्तियां हैं कि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो हक हमारा कोई भी उस वक्त को, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, कि देश की अखंडता बनी रहे, रहो सतर्क, शत्रु को पता चले जवान है सिली नहीं, कीर्तिमान शिष्य दान के बने यहाँ महान, शक्ति है वही प्रणम में नीव जो हिली नहीं, कि श्वेत रक्त आदि के प्रभाव का दिखे प्रमाण, मेघ वृष्टि से स्वदेश वाटिका खिली नहीं, मेघ वृष्टि से स्वदेश वाटिका खिली नहीं, गोलियां सही परंतु राह से डिगे नरंच, सुप्त सोच से सनी स्वतंत्रता। वाह बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोच से सनी स्वतंत्रता मिली नहीं, और छंदों से जोड़ता हूँ भैया, कि राष्ट्रवाद भी विवाद का बना सशक्त केंद्र, प्रश्न है बड़ा यही कि बात क्यों कली नहीं, और देश प्रेम छोड़ देना हेतु एक भी दिखे कि शत्रु पक्ष की कदापि दाल क्यों गली नहीं, कि ठान जो लिए न राह रंच पास का समीर, शीर्ष ही मिला सदै अन्य की चली नहीं, अन्य की चली नहीं, और वक्षतान जो खड़े हुए स्वदेश के सपूत, ज्ञात ही नहीं कि जो विभीषिका टली, वाह क्या कहने, वाह नवाज भैया, जात ही नहीं कि जो विभीषिका टली नहीं, और छंदों से जोड़ता हूँ, स्वागत है भैया, अभी भगत सिंह की बात भाई चंदन जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात भाई चंदन जी ने की थी, मैं भी एक छंद लेता हूँ, स्वागत है, कि कष्ट आपने असंख्य चीखती रहो परंतु मुक्ति हेतु और आप राह देखना नहीं, वाह, और पुत्र राष्ट्र रक्षणार्थ जो लड़े मरे उन्हें वह आज के जवान एक साथ तोलना नहीं, वाह, कि फाड़ फोड़ फोड़ उक्ति को करे असत्य सिद्ध, दुख है यही कि एक है वही चना नहीं, है वही चना नहीं, वार्य भूमि झेलना नवीन शत्रु के कुचक्र, वीर धीर साहसी सुभाष जो, क्या वाह वाह भैया, वाह बहुत बढ़िया भैया, वीर धीर साहसी सुभाष जो जना नहीं। और अभी 5 अगस्त को हम देखेगी धारा 370 हटने की, हम लोगों ने जो अभी जश्न भी मनाया, एक छंद कभी हुआ था, मैं पढ़ता हूँ, स्वागत है भैया, कि प्रश्न जाति धर्म के उठे यहाँ अनेक बार, किंतु राष्ट्रवाद की न बात नित्य की गई, और था उखाड़ फेंकना जिसे सहस्त्र वर्ष पूर्व शत्रु सोच को पर पूर्ण छूट दी गई,
एक गाल लाल गाल दूसरा करें समक्ष विश्व से कहो सगर्व ये कुनीति भी गई, विश्व से कहो सगर्व ये कुनीति भी गई। और देश के विरुद्ध बोलती सदा कठोर शब्द, देख ले सभी की वो जबान खींचे। क्या कहने भैया, वाह, देख ले सभी की वो जबान खींच ली गई। और अंतिम छंद में मैं समर्थन करता हूँ कि शब्द का होना कितना आवश्यक है। स्वागत, छंद पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। कि शत्रु शत्रुता करे न बात याद, ये कदापि चित्त भूलता न मित्र घात के प्रभाव को। और युद्ध आदि से हुए निदान व्याधि के, परंतु श्रेष्ठ मानते सदैव बात के प्रभाव को। वाह। एक एक दीप आप भी जलाइए, तथा वो छिंड कीजिए प्रचंड रात के प्रभाव को। छिंड कीजिए प्रचंड रात के प्रभाव को। और जानती समस्त सृष्टि प्रेम के अनेक लाभ, किंतु अल्प आकिए न लात के प्रभाव। क्या कहने। और एक मुक्तक पढ़कर मैं अपना काव्यपाठ समाप्त करूंगा। स्वागत। स्वर्णिम बनाने हेतु अब श्रम कीजिए मिलकर सभी। स्वर्णिम बनाने हेतु अब श्रम कीजिए मिलकर सभी। है प्राप्त करनी उच्चता तो जागिए आर्यों अभी। उन्नति हमारे देश की है प्रेम के विस्तार में, है प्रेम के विस्तार में, है प्रेम के विस्तार में। तेजाब के तालाब में पंकज नहीं खिलते कभी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंकज नहीं खिलते कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिश्र जी, मैं आपके छंदों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाया। मैंने बहुत ही एक गहन मानसिकता के साथ मैंने आपके छंदों को सुना, और आपके छंदों में जो शैली, जिस शब्द शैली का जिसका इस्तेमाल किया गया, वाह, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैंने सच में, मैंने जिन अभी तक मैंने जिन छंद के रचनाकारों को सुना है, उन सब में मैं आपको कहीं ना कहीं मैं सबसे ऊपर मिलता हूँ। आपने वाकई बहुत अच्छे आपने छंद पढ़े, जो कि आज कार्यक्रम को एक शंख स्वरूपी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफी थे। साथियों, अभी तक जो संचालन की भूमिका में थे, अब वो चालक की भूमिका में आने वाले हैं। उन्होंने अभी तक हम सभी कवियों को पढ़ाया, बहुत अच्छे से हम लोगों की तारीफ करी आप लोगों को तक सुनाने के लिए। और अब हम उनकी तरफ जाते हैं। एक कि गोपालदास नीरज जी की एक पंक्तियाँ आती हैं, याद आ रही हैं दो पंक्तियाँ, एक दोहा है उनका कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काब, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काब, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। तो इस कवि की सौभाग्यता को प्राप्त करते हुए हमारे संचालक महोदय बहुत अच्छे कवि है, कवि होने के साथ साथ ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं समाज में। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि अब आप अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है शेखर लखनवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी, आपने मुझे नीरज जी की पंक्तियों से आमंत्रित किया। स्वागत है। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने मुझे आमंत्रण दिया है, तो उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। स्वागत। बस दो चार मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी, आपने नीरज जी की पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और एक मेरे लिए ये चुनौती भी है कि मैं इन पंक्तियों के स्वभाव के अनुसार मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूं। स्वागत है भैया। स्वागत है भैया। मैं शुरुआत करता हूं एक छंद के माध्यम से कि कंठ में छुपा ली कहीं जुबां से निकाली नहीं, सभी के समक्ष वो कहानी बोल जाऊंगा। क्या कहने। कंठ में छुपा ली कहीं जो बांसे निकाली नहीं, सभी के समक्ष वो कहानी बोल जाऊंगा। भाषाओं की जादूगरी मुझ में रखी है भरी, अनुमति मिले तो जुबानी बोल जाऊंगा। और जज्बे आसमानी लिए हाथों में जवानी लिए, गर्व से मैं खुद को हिंदुस्तानी बोल जाऊंगा। अगर आज सबका सहारा मिल जाएगा तो राष्ट्रगान जैसी मैं जुबानी बोल जाऊंगा। राष्ट्रगान जैसी मैं जुबानी बोल जाऊंगा। मैं मानता हूं कि ये हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हो चुका है,
गोरों से आज़ाद हो चुका है। ये आज आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है हमारे प्राइम टीवी के माध्यम से जश्न आज़ादी के नाम से, मुझे लगता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जहां पर हमारे बच्चे 15 वर्ष की आयु के बच्चे, 14 वर्ष की आयु के बच्चे जब आत्महत्या के दौर से गुजर जाते हैं, एक पढ़े लिखे समाज में होने के बावजूद भी, जिनके अभिभावक किसी बड़े पद पे होते हैं उसके बावजूद भी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। मैं उन अभिभावकों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप उन्हें किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन दीजिए ना दीजिए, लेकिन आप उन्हें हमारे साहित्य में, जैसे दिनकर जी जैसे लोग हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी जैसे लोग हैं, आप उनकी रचनाएं तो अपने बच्चों तक पहुंचाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। एक ऐसा ही एक प्रेरक गीत मैं आप सबके बीच में रख के उस गीत से एक माहौल बनाऊंगा, फिर उसके बाद जाते जाते एक देश के शहीदों के नाम एक गीत पढ़ के चला जाऊंगा। स्वागत। आंधियों से तुम डरते हो क्यों, आंधियों से तुम डरते हो क्यों। मुझे लगता है सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है ये, अगर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इसे ध्यान से सुनेगा तो शायद वो अपने काम में थोड़ी और तल्लीनता लाएगा और हो सकता है उसे भी कोई ना कोई प्रेरणा मिले। कि आंधियों से तुम डरते हो क्यों, तुम पेड़ नहीं तुम पौधे हो, जिम्मेदारी के पृष्ठों के आवरण तले तुम औंधे हो। तुम पेड़ नहीं, तुम पेड़ नहीं, औरों की तरह तुम पेड़ नहीं, कर्तव्यों से हो बंधे हुए, तुम कोई कायर भेड़ नहीं। पौधे हो तुम में हर आंधी से लड़ने की क्षमता है, तुम उपजे हो बंजर में तो बिन जल बढ़ने की क्षमता है। हुंकार तुम्हारी बीज सृजन का बोती है तो बोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो बोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। करुणा की कई कतारें हैं, करुणा की कई कतारें हैं, कंचनी कनक की अभी कहाँ, जंगल में जन्मी है सीता जानकी जनक की अभी कहाँ, पंखों को प्रतीक्षा प्रतिपल है, मिल जाए प्रकाश तोड़ जाए, परिवर्तन के प्यासे पन्नों का यही निवेदन मुड़ जाए। युग युग तक बहती है नदियाँ, युग युग तक बहती रहती हैं, तब नदियाँ निर्मल होती हैं, पत्थर पर गिरने से ही तो धाराएं अविरल होती हैं, नदियाँ ये माथे का कलंक यदि धोती हैं तो धोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। बहुत बढ़िया। जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। मेरे अक्सर मित्रों का मुझसे एक सवाल रहता है, चंदन भाई ने भी एक बार मुझसे पूछा था कि भैया आपकी आंखों के आसपास काले घेरे कैसे हैं। एक जवाब मैं देना चाहता हूँ भाई को, चेहरे की स्याही चीख रही, कर चुकी प्रश्न सौ दर्पण से, रातों में जागे हो परंतु हासिल क्या हुआ समर्पण से, जो कंठ चीरता जाता है वो दर्द छुपा था सीने में, बोलो तुमको क्या मिलता है आखिर मर मर कर जीने में। शिकवे हैं तुमसे जिन जिन को, तुमसे वो सारे सीखेंगे, तरकीबों के एक रोज सभी आयाम तुम्हारे सीखेंगे, प्रतिभा की पीड़ा का पर्वत कुछ दिन कंधों को ढोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। अंगारों पर अनशन करके अविराम अलौकिक हो जाओ, अध्यात्म और स्तुति के संग भय भूल के भौतिक हो जाओ, संगीत सुबह का बन जाओ, सुर साथ समाहित हो जिसमें, प्रतिकूल प्रवाह के प्रीति पटल पर प्रेम प्रवाहित हो जिसमें, सूरज हो तुम फिर भय कैसा, चमको की बादल गल जाए, मर्दनी प्रभाती उदय बनो अंधेर हथेली मल जाए, सूरज हो तुम अस्तित्व कभी ब्रह्मांड मध्य ना खोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो, नैनों में नीर लिए पलकें यदि रोती हैं तो रोने दो, ये जीवन नैया डगमग डगमग होती है तो होने दो। बहुत बढ़िया।
होने दो होने दो। एक गीत, एक श्रृंखला का मैं रखना चाहता हूँ। स्वागत। ये वो गीत है जब पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद में मुझे एक कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया उन्नाव शहर में, जो वहाँ के शहीद थे अजीत जी। फिर उनके परिवार से मैंने थोड़ी सी बातचीत की, फिर उसके बाद मैंने उनके परिवार की भावनाओं को इस गीत में, उन संवेदनाओं को समेट के रखने की कोशिश की। आप लोग इस गीत को समझिए, फिर उसके बाद में आप लोग इस गीत में ही आप मेरा समर्थन करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर ले चलेंगे। स्वागत है। एक शहीद, उसके घर वालों का क्या हाल होता है आप लोग समझिएगा। कि आज नैन बेचैन हमारे घर परदेसिया, आज नैन बेचैन हमारे, आज नैन बेचैन हमारे घर परदेसिया, बिटिया बैठी राह निहारे घर परदेसिया, सपन हो गए कारे कारे घर परदेसिया, अखियां तरसी दर्शन मारे घर परदेसिया, आज नैन बेचैन हमारे, बगिया छोड़ मुंडेर के ऊपर बैठी बुलबुल है, बैठी बुलबुल है, तुमको बाहों में भरने को पापा व्याकुल है, नयन आंसुओं से भर कर भाई सहमासा है, भाई सहमासा है, लिए सभी प्रतिमान तुम्हारे कुल शो का कुल है, वाह वाह बहुत बढ़िया, रोए जैसे पुष्प बिना वन माली है, रात के खाने पर बेटे की कुर्सी खाली है, बेरंगी धूमिल धूमिल, बेरंगी धूमिल धूमिल, होली भी गुजरी है, सदा हुई जो रोशन वो दिवाली काली है। और शहीद की जो पत्नी होती है उनके क्या भाव होते हैं। स्वागत। छुप कर मिल कर खो कर फिर खुद पर इठलाना था, प्यारी प्यारी बातों से रूठना मनाना था, मेरी सांसों की धड़कन की, मेरी सांसों की धड़कन की एक तमन्ना थी, घर से जाते जाते तुमको गले लगाना था, अंगनाई में कभी कभी तुम, अंगनाई में कभी कभी तुम अब भी आते हो, बीवी के साजन कहने पर तुम शर्माते हो, दुनिया की नजरों से दूर हुए हो तुम, लेकिन बेटी को स्कूल छोड़ने तुम ले जाते हो। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। नैन बेचैन हमारे घर पर देसिया, बिटिया बैठी राह निहारे घर पर देसिया, सपन हो गए कारे कारे घर पर देसिया, अखियां तरसी दर्शन मारे घर पर देसिया, तुमको हारा तो जग हारे घर पर देसिया, पापा बैठे थके बेचारे घर पर देसिया, रूठे हो क्यों सांझ सकारे घर पर देसिया, माँ बैठी खामोश पुकारे घर पर देसिया, घर पर देसिया परदेसी, घर पर देसिया, घर पर देसिया परदेसी, घर पर देसिया, आज नैन बेचैन वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, आज नैन बेचैन हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का श्रोताओं, और आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे फिर कभी मिलेंगे आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये कहावत यूं ही नहीं प्रसिद्ध है। देश की स्वतंत्रता में कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आज भी कवि हमारे समाज को जागरूक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर हमारे इस पल को खास बनाने के लिए हमारे सभी कवियों का धन्यवाद, और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।